हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं विनीता अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और मैं फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ में आ गई हूं। और मेरे ब्लॉग इस समय कंटिन्यू जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं और वीडियो को लाइक भी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये मेरी शिकायत है, तो प्लीज़ आप लोग इस शिकायत को ज़रूर दूर करिए। और आज के ब्लॉग में देखिए तो दो प्राणी ऐसे हैं जो खाना भी खा रहे हैं और ब्लॉग देख रहे हैं। जो मेरा पिछला ब्लॉग था उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो खाने में आज मैंने बनाया था राजमा चावल, और राजमा चावल बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। जो राजमा था बहुत ही टेस्टी बना है, तो बड़े मज़े से ये लोग खा रहे हैं। मैं तो पहले ही खा चुकी थी, मैंने पहले निपट लिया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी काम करते करते, तो मैंने पहले ही खा लिया था। ये देखिए दो लोग कितना मगन है ब्लॉग देखने में। खाना खाओ, मम्मी क्या खा रहे हो? राजमा चावल। कौन बनाया है आज? चुप रहो, कुछ पूछो मत आज इन लोगों से। खाते रहो खाते रहो, राजमा चावल एंजॉय करते रहो। देख रहे हैं इन लोगों को, सारा खाना खत्म। खा लिए तुम लोग? तो अभी हम जा रहे हैं अमरूद तोड़ने। तो एक अमरूद मैंने तोड़ा है, ये पका हुआ। अभी और अमरूद है इसमें पके हुए, और एक अमरूद मुझे ये ऊपर दिख रहा है, काफी ऊपर है। देखते हैं पहुंच पाएंगे इसको। ये भी थोड़ा पका हुआ है। हाँ, एक अमरूद और मिला, ये पका हुआ अमरूद। और अभी और है अमरूद इसमें, आओ तो तोड़वा लो। अरे ऊपर हम नहीं पहुंच पा रहे ना, कुर्सी लेकर आओ, आओ आ जाओ जल्दी से। तो अभी कल्पना को बुलाए हैं, तो कल्पना आएगी तो फिर तोड़ते हैं। चेयर पे ऊंचाई पर पहुंच नहीं पा रही हूँ, वहां पर बहुत मीठा है ये अमरूद। वैसे इसमें हमने दो दिन नहीं तोड़े थे, तो सुबह भी ढेर सारा अमरूद निकला था, मम्मी तोड़ी थी, और अभी आज फिर से निकला है। ले आ रही हो चेयर? इसमें जो है ना दो पेड़ हैं। तो अभी आज रात में यहाँ बारिश हुई थी तो थोड़ा सा अमरूद और पक गए हैं। तो ये वाला जो बड़े बड़े जो अमरूद हैं ये थोड़ा सा अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी रसीला है। टेस्टी ने, खाते जाओ मन ही नहीं भरता है। कोई मेरा असिस्टेंट आ गया अमरूद तोड़ने के लिए। असिस्टेंट आ गया, असिस्टेंट चढ़ो। है पका वो, देखो वो दिख रहा है। अरे ये सिंगल अमरूद देखो दिख रहा है, ये पका वो ऊपर। हाँ वो कहाँ पका है? अरे कल्पना ये दिख रहा भाई, और अब पके हुए छूछ हम देखे हैं, बहुत कम हो गया है काफी ना। पका है, तोड़ लो। ये व्यवस्थित ना तोड़ो, जो पका हुआ तोड़ो, पका रहेगा अपना छूते टूट जाएगा। अमरूद तोड़ो, फिर अमरूद के पेड़ के नीचे ही अमरूद को खाओ, मज़ा ही अलग है। मुझे बाजार में आता है वो इतना मीठा नहीं रहता है। चार दिन तो बासी रहता है, ये अच्छी क्वालिटी वाला बीज रहेगा, जम आएगा। तो अमरूद खाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। चीनी फेल है इसके, तो चाय में यही डाल दिया करो। कह रही है चीनी फेल है तो उनके चाय में यही डाल दिया करो। तो पेड़ा क्यों मंगाई थी पापा से? यहाँ बाहर बहुत अच्छी हवा लग रही है। मम्मी आओ, मम्मी आ जाओ बाहर, यहाँ अच्छी हवा लग रही है। मम्मी को फीवर हुआ तो मम्मी अंदर ही रहती है, बाहर निकलती ही नहीं है, और इतनी अच्छी हवा चल रही है।
आओ भगवान जी पंखा चलाए हैं। एक लोगों को समोसा खाने का इतना ज्यादा मन कर रहा है, इतना ज्यादा मन कर रहा है कि अब समोसा आए तो आए कैसे, इनका जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो ले आते हैं समोसा खाने का मन है तो, नहीं कुछ नाश्ता बनाते हैं। क्या खाओगे का? चलो शाश्वत से मिल लेना रास्ते में। कौन शाश्वत? शाश्वत कौन है? वो जो आया था क्या? अरे बाप रे, बहुत बदमाश है वो। अभी होता कूद कर रख देता, बहुत यहाँ वहाँ बहुत भागता है। तो समोसा मत खाओ, समोसा अमरूद खा लिए हो ना, मन को समझाओ कि मैंने समोसे को खा लिया है। नहीं आंटी, जो ये खाने में उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी बिट्टी आंटी आई है तो मम्मी उनको अमरूद खिला रही हैं, और इसमें पका हुआ जितना अमरूद था हम लोग बहुत सारा तोड़ खा गए हैं, तब भी शायद अगर मिल जाए, देख रही हैं मम्मी। अभी नहीं आंटी जी, मिला बहुत मीठा अमरूद है। चलो तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मंदिर पर दिया जलाने के लिए। तो मम्मी शाम को जो है दिया जलाती हैं मंदिर पर, तो मम्मी भी जा रही हैं तुम लोग के साथ में, और साथ में बिट्टी आंटी भी हैं। बिट्टी आंटी आई थी यहाँ खेत से करेमुआ लेने के लिए। करेमुआ तोड़ के ले जा रही हैं। नहीं ठीक करे तोड़ ले है कि बाजार वाला खाईला है मैंने रहा बाजार नहीं ले गई थी वो वाला लियो जान के सोच लाई है और का सब्जी एकदम बेकार लग रही। तो यहाँ पर जो है कल्पना पीपल के पेड़ पे जो है दिया जला रही है। मम्मी तो भूल गई अपनी सहेली से बात करने में लग गई है बिट्टी आंटी से, और कल्पना यहाँ दिया जला दे रही है जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग उधर मंदिर पे भी जाएंगे, शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर शंकर जी के, वहाँ पर जाएंगे। तो मम्मी एकदम थक गई हैं लग रहा है। मंदिर बाबा को लाई ले फोटो क्या? मैं थक गई हो क्या? नहीं थक, नहीं थके हो इतना मन मार के? वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग लेकिन तोड़ने के लिए। जामुन जामुन खा लिए? जामुन जामुन तोड़ो। तो यहाँ पर ये जगह पर ये देखिए ढेर सारी जामुन फली हुई है, लेकिन ये क्यों बची हुई है? मम्मी बोल रही जंगली जामुन है, मीठी नहीं है, बहुत कसैली आती है खाने में, तो इसलिए बची हुई है। चलो आंटी जी भी चले वहाँ तक ना। हवा बहुत अच्छी चल रही है, कैसा लग रहा है मम्मी हवा में आकर के? अच्छा लग रहा है। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कल्पना आपको कैसा लग रहा है? बहुत 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 बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। मुझे तो वेरी गुड लग रहा है। शाम को थोड़ा सा टहल लो बाहर तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग अभी यहाँ मंदिर पे आ गए हैं, कुछ लोग यहीं से जा रहे हैं वापस, जैसे कि आंटी जी यहीं वापस जा रही हैं अपने घर। सामने देख के चलो, तो गाड़ियां बहुत जा रही हैं ना यहाँ पर। आओ बैठ जाओ फिर इधर। यहाँ मैं बैठी हूँ ना तो मुझे ऐसा ऐसी महक आ रही जैसे कोई भुट्टा उट्टा जैसे भून के खा रहा आवाज में, बहुत अच्छी महक आ रही है। यहाँ कल्पना जो है काफी थक गई है लग रहा है। थक गई हूँ क्या? थके नहीं हूँ कह रही हूँ, थके नहीं हूँ। तो गाइस तो अभी हम लोग टहल के अब जा रहे हैं घर पर वापस, क्योंकि मम्मी बहुत थक गई है, थोड़ा सा उनकी तबीयत भी खराब है, चल के अब थोड़ा सा रात के खाने की तैयारी करेंगे।
थक गए होंगे? नहीं बेटा थके नहीं। नहीं बेटा थके नहीं। सो गाइस, तो मैं अभी किचन में हूँ और किचन में बना रही हूँ मैं आज दम आलू बना रही हूँ और साथ में रहेंगे पराठे, दही और सैलेड रहेगा। कल्पना का कल से ही उसका दम आलू खाने का मन था, तो कल ही मैंने दूसरी सब्जी बना दी थी तो काफी नाराज हुई थी वो। तो आज उनका फेवरेट दम आलू बना रही हूँ। वो सीटी आ गई, मैंने आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए, आटा मैंने गूंथ दिया है, बस आलू बॉयल हो जाए उसके बाद फिर मैं पराठे सेकूंगी क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्म खाना कोई घर में नहीं खा रहा है। तो मैं पहले से ही पराठे सेक के रख दूंगी, उसके बाद फिर जब तक पराठे सेकेंगे तब तक फिर उसके बाद आलू का जो प्रेशर रहेगा कुकर का वो भी निकल जाएगा और उसके बाद मैं दम आलू बना लूंगी फटाफट। तो यहाँ पर दूसरी सीटी भी आ गई थी तो मैं स्लो कर देती हूँ। तो अभी आलू बॉयल हो जाए उसके बाद मैं पराठे बना लेती हूँ क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ लाइट भी नहीं है अभी आज, नहीं तो चिमनी मैंने ऑन नहीं की है। तो खाना बनाकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा। तो गाइस, तो आलू बॉयल हो गए हैं और कल्पना यहाँ पर पराठे बेल रही है और मैं सेक लूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कल्पना बेल देंगी, मैं सेक लूंगी तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो गर्मी भी थोड़ा कम लगेगी। तो फटाफट मैं पराठे बना लेती हूँ और तवा गर्म हो गया है, ले और डालो इस पे पराठे कल्पना ने डाल दिए हैं, इसको मैं सेक लेती हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पर पराठे बन चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ दम आलू। तो मैं इसको भून रही हूँ और दम आलू की अगर पूरी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे कुकिंग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी इस वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसको बनाने के बाद, दम आलू बनाने के बाद मैं बनाऊंगी थोड़ा सा जीरा राइस बनना है क्योंकि कल्पना कह रही थोड़ा सा जीरा राइस बना लो और पराठे सीख गए हैं दम आलू भी बन जा रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पत्ती पानी, थोड़ा तरी वाले रहेंगे और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा क्योंकि आज का जो ये एपिसोड है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और फिर से मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ में। और हमारा जो कुकिंग चैनल है प्लीज उस पर आप लोग जरूर विजिट करिएगा और ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर से बाय बाय।